दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर जल्दी से जल्दी ग्रो होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से आप एप्लीकेशन को यूज़ करके जो अपनी वीडियो है, जो अपनी ऑडियो है, उसकी क्वालिटी को आप कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। बस इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा YouTube स्टूडियो के बारे में, जिसमें कि अगर हम लोग कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो YouTube स्टूडियो के अंदर जा करके अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैक्स, थंबनेल वगैरह हम लोग लगा सकते हैं YouTube स्टूडियो के हेल्प से। तो किसी भी यूट्यूबर के लिए YouTube स्टूडियो तो उसकी जान होता है, उसका होना तो एकदम बिल्कुल ज़रूरी है। अगर वह नहीं है तो वह यूट्यूब पर कभी भी ग्रो नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास यूट्यूब स्टूडियो होना चाहिए, और यह प्ले स्टोर पर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका वीडियो। आपके पास जितना बढ़िया सॉफ्टवेयर रहेगा वीडियो को एडिट करने के लिए, आपका वीडियो उतने ज़्यादा बढ़िया रहेगा और लोगों को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। सपोज़ करें कि जस्ट आप अपने फ़ोन से बस वीडियो को शूट करें और यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, और यूट्यूब स्टूडियो में जाकर के आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन दे दिए, तो वो उतना इंप्रेशन क्रिएट नहीं करेगा। जबकि आप अपने वीडियो को इसे बेहतर सॉफ्टवेयर से एडिट करें, फिर उसको अपलोड करें, तो उसका एक अलग इंप्रेशन होता है लोगों के लिए। तो प्ले स्टोर पर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उन सभी में से एक एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जो कि है काइन मास्टर। फिर दूसरे नंबर पर आता है पावर डायरेक्टर। पावर डायरेक्टर भी कुछ कुछ काइन मास्टर जैसा है, लेकिन काइन मास्टर की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, अगर आप काइन मास्टर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो यह एक बहुत बड़ा वाटरमार्क छोड़ जाता है, जो कि बहुत बेकार लगता है। तो इसके लिए भी मैंने सोल्यूशन बता रखा है, आप लोग काइन मास्टर का मोड वर्जन ट्राई कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ लोगों के फ़ोन में काइन मास्टर का मोड वर्जन वर्क नहीं करता है, क्योंकि उनका फ़ोन एंड्रॉयड 12 है। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। और अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड 12 है, 11 है, 13 है, तो आप उसमें भी काइन मास्टर को बहुत आसानी से आप यूज़ कर सकते हो। फिर तीसरे नंबर पर आता है आपका वॉइस। एक पल के लिए मान के चलते हैं कि आपको वीडियो एडिट करने नहीं आती है, आपका वीडियो उतना अच्छा नहीं है, उतना HD क्वालिटी में नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आपका वॉइस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ रहा, तो लोग उसको ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। क्योंकि YouTube पे वैसे बहुत सारे वीडियो हैं सेम टॉपिक के, अगर आपके ऑडियो में कुछ कुछ खराबी रही, अगर पसंद नहीं आया, तो लोग आपके वीडियो को कट करके किसी दूसरे वीडियो पर स्विच हो जाएंगे। चौथे नंबर पर आता है VidIQ। VidIQ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने कि YouTube ने दिया है सभी यूट्यूबर्स के लिए, जिससे कि वो अपने वीडियो में एक अच्छा टाइटल, एक अच्छा डिस्क्रिप्शन और एक अच्छा टैग आप कैसे लिख सकते हो। VidIQ के हेल्प से आप अपने वीडियो का पूरा अच्छे तरह से SEO आप कर सकते हो, और जिससे कि आपका जो वीडियो है जल्दी जल्दी बूस्ट करेगा, रैंक करेगा। तो VidIQ एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, जो कि यूट्यूब ने खुद सभी यूट्यूबर्स के लिए दिया है, जिससे कि वो अपने चैनल को जल्दी जल्दी ग्रो कर सके। पांचवें नंबर पे आता है TubeBuddy। TubeBuddy में उतना स्पेशल तो नहीं फीचर है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूज आते हैं जो कि टेक से रिलेटेड होते हैं, या फिर आपका चैनल जिस भी कैटेगरी का हो उससे रिलेटेड आपको न्यूज मिलते रहते हैं। तो आप उस पर वीडियो बनाओगे तो आपके वीडियो पे व्यूज आएंगे, और साथ ही साथ आपका जो भी वीडियो है उसमें कितने सारे लाइक हैं, कितने डिसलाइक हैं, कितना रैंक कर रहा है, या फिर आपके वीडियो पे कितने सारे कमेंट है उसको बताएगा, और आप उसको अच्छे से एनालिसिस करके अपने नेक्स्ट वीडियो पे ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करोगे। यूट्यूब ने स्पेशली अपने क्रिएटर्स के लिए बनाया है, जिससे कि सभी यूट्यूबर अपने चैनल को जल्दी जल्दी ग्रो कर सके। फिर छठवें नंबर पे आता है TagYou। इस एप्लीकेशन के हेल्प से आप किसी भी वीडियो में जो भी टैग लगे हुए हैं आप उसको फाइंड कर सकते हो, चुरा सकते हो, और वही आप रैंकिंग टैग को अगर अपने वीडियो में लगाते हो तो आपका वीडियो भी बूस्ट कर जाएगा। तो यह एप्लीकेशन काफी अच्छा है किसी भी वीडियो का टैग उठाने के लिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो। फिर सातवें नंबर पे एक ऐसा एप्लीकेशन आता है जिसमें कि अगर आप सपोज करें कि आपने कोई वीडियो बनाया और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस वीडियो में क्या टैग लगाया जाए, तो इस एप्लीकेशन के हेल्प से आप उस वीडियो से रिलेटेड टैग खोल सकते हैं, और इस एप्लीकेशन के थ्रू बहुत ही रैंकिंग टैग आपको देखने को मिलता है। इस एप्लीकेशन का नाम है Tag4U और YouTag। इन दोनों एप्लीकेशन के हेल्प से आप रैंकिंग टैग खोल सकते हो अपने वीडियो के लिए। अब आपने सब कुछ कर लिया, काइन मास्टर के हेल्प से अपने वीडियो को एडिट कर लिया, वॉइस रिकॉर्डर के हेल्प से आपने वॉइस को बहुत अच्छा से रिकॉर्ड कर लिया, YouTube के हेल्प से आपने इसको अपलोड कर दिया, YouTube स्टूडियो के हेल्प से आपने ट्रैक टाइटल और डिस्क्रिप्शन लगा दिया, VidIQ और TubeBuddy के हेल्प से आपने फुल SEO कर दिया अपने वीडियो का। फिर उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है आपके वीडियो को पब्लिश। जब भी आप अपने वीडियो को पब्लिश करोगे तो सबसे पहले लोग उसके थंबनेल को ही देखेंगे और कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी महारत होती है थंबनेल में।
तो थंबनेल बनाने के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है एक पिक्सल लैब और दूसरा है पिकआर्ट। इन दोनों के हेल्प से आप बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त थंबनेल आप बना सकते हैं और थंबनेल बिल्कुल बिल्कुल जान डाल सकते हैं। आप बस इतना मान के चलिए कि अगर आप अपनी वीडियो को एक घंटा एडिट करने में लगाते हैं तो थंबनेल को भी बनाने में एडिट करने में कम से कम आधे घंटे आपको तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि सबसे पहले लोग आपके थंबनेल को ही देखते हैं। थंबनेल अगर जितना ज्यादा आपका अट्रैक्टिव रहेगा उतने लोग आपके थंबनेल को क्लिक करेंगे, आपका वीडियो को देखेंगे। और इन सब के बाद मैं एक बोनस एप्लीकेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ जिसका नाम है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। इसके हेल्प से आप अपने रिकॉर्ड किए हुए ऑडियो को एडिट कर सकते हैं और उसका जो नॉइज है जो उसका पिच है उसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। और इस ऐप के हेल्प से अगर आप कभी कभी वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम अगर स्लो हो जाते हैं या फास्ट हो जाते हैं, आपके पिच ऊपर नीचे हो जाती है, तो इस एप्लीकेशन के हेल्प से आप अपने ऑडियो को जो आपने रिकॉर्ड किया है बिल्कुल सेम पिच में सेम लाइन में आप उसको ला सकते हो। एप्लीकेशन ऑडियो को एडिट करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है और इसको बहुत से लोग इसका यूज करते हुए हैं, मैं खुद भी यूज करता हूँ। और इसके बाद आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, और मैं आप सभी लोगों के लिए जो ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं उन सब के लिए मैं गॉड से दुआ करता हूँ कि आप सभी लोगों का चैनल, चाहे वह जिस भी कैटेगरी का हो, टेक का हो, गेमिंग का हो, ब्लॉगिंग का हो, कुकिंग का हो, एवरीथिंग जिस भी कैटेगरी का हो, आपका चैनल हो ऊपर वाला जल्द से जल्द उसको ग्रो कर दे, जैसे जल्द आपका चैनल मोनेटाइज कर दे, मैं जस्ट यही दुआ करता हूँ। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी थी, इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताइए। और आप सभी लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें।